वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2018 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व दी हुई है। तो आप ये से सॉल्यूशन शुरू हो जाएगा हमारा। गिवन कर्व है, कुछ लिख लो अब आप उसको, ठीक है ना। तो a इंटू बी एक्स प्लस फाइव पावर में ये चीज़ भी, तो इस तरीके से सही है। अब देखो ये है सारी आपके फायदे की बात। कोई भी एग्जाम हो पॉजिटिव थिंकिंग रखा करो। ये बात हमें भी पता होनी चाहिए कि ए और बी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होते हैं, सही है। क्यों, वही बात बताई थी आपको, कौन सी, कि जैसे कोई भी बुक मैथ्स की किसी भी लेवल पर, मतलब पी से, मतलब अल्फ़ाबेट के हिसाब से पी के बाद वाले, पी भी इंक्लूड होता है उसके बाद वाले अप टू जेड, ठीक है ना, वो तो वेरिएबल के लिए चूज होते हैं अल्फ़ाबेट। और जो पहले वाले हैं, ठीक है ना, अप टू जैसे ओ तक, ठीक है ना, वो किसका काम कर देते हैं, वो कॉन्स्टेंट का, कॉन्स्टेंट नहीं आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। तो इस तरीके से बस ये चीज़ पता होनी चाहिए हमें, सही है। बस यहाँ पर मतलब ये बात हमें भी पता होनी चाहिए। और इसी वजह से एक्स और वाई हमेशा वेरिएबल का काम करते हैं प्लस टू क्लास में, ये कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हो इस बात को, सही है। तो बस अब यहाँ पर ये मतलब हो सकता है ये चीज आपको ना मिले न्यूमेरिकल में, फिर भी हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है। ई तो फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्स वाई पहले से पता वेरिएबल है। तो इस तरीके से अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो सिंपली मतलब इस कंसेप्ट का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है हमें, ठीक है ना। तो सिंपली बताया था आपको तीन चीज़ें सोचनी है, सही है। अब देखो तीन कौन कौन सी, पहली चीज़ क्या बताई थी, जितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होंगे उतनी ही बार हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर दो है ये और भी, तो दो बार डिफरेंशिएशन होगा। पहला पॉइंट तो ये रहेगा उन तीन चीज़ों में क्या क्या सोचना था, सही है। तो पहले चलो यही लिख लेते हैं हम पहले पॉइंट के हिसाब से, कि सबसे पहले तो पहला डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सही है। एक्स क्यों कह दो आप, क्योंकि फंक्शन हमारा एक्स के टर्म में, इस वजह से, ठीक है ना। नॉर्मली हम एक्स के मतलब प्लस टू क्लास में नॉर्मली डिफरेंशिएशन आपको एक्स के हिसाब से ही करना होता है, इस वजह से, सही है। बस इसके बाद डायरेक्ट ही कह दो आप किस तरीके से, तो वाई का हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर कर लो ए कॉन्स्टेंट है, इसका होगा, ठीक है ना। तो मतलब e की पावर, तो क्या बताया था आपको डिफरेंशिएशन का आसान तरीका, कि e की पावर जो भी हो सबसे पहले तो वही लिख दो, इनटू में किसका होगा, पावर का होगा, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो बी एक्स प्लस फाइव का होगा, तो b कॉन्स्टेंट, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वन, प्लस का साइन, फाइव कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का जीरो, सिंपल सा तरीका। और जब तक डिफरेंशिएशन ना, इनटू में चीज़ें चलती रहती हैं, ये सिंपल सी बातें बताई थी आपको, सही है। पहला डिफरेंशिएशन आ चुका है, दो बार करना था, क्यों, क्योंकि दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है इस वजह से। तो एक बार और डायरेक्ट ही आप कर दो, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो एक बार तो है और दो बार का मतलब डबल डिफरेंशिएशन, कुछ इस तरीके से, सही है। अब इसके बाद अब यहाँ पर कर लो, जैसे यहाँ पर कितना बचेगा, बी बचेगा, तो ए इंटू बी तो कॉन्स्टेंट है, उसको पहले लिख लो इस तरीके से, सही है, कि इसका होगा। तो ए की पावर वही रूल, कि सबसे पहले ए की एज इट इज पावर लिखो, इनटू में किसका होगा, पावर का, तो इस चीज़ का बी आया था, तो एक बी ये रहा, तो मतलब स्क्वायर बन जाएगा, कैलकुलेशन है, हमने डायरेक्ट लिख दी, सही है। तो इस तरीके से अब इसके बाद देखो ये है पहला पॉइंट उन तीन में से, कि जितनी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट उतनी बार डिफरेंसेस। अब दूसरा पॉइंट क्या बताया था, दूसरा पॉइंट, ठीक है ना, अब थोड़ा सोचो, ये बताया था कि आंसर में जो भी, जैसे हमारी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है ना, उसमें वही आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट नजर ना आ जाए, तो इस न्यूमेरिकल के हिसाब से ए और बी, मतलब फाइनल आंसर में ए और बी नज़र नहीं आने चाहिए, ए और बी रिमूव करो, एलिमिनेट करो। अब देख लो आपको अगर अच्छा, देखो न्यूमेरिकल ये आसान था, आसान था, तो इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लो, क्या लिख सकते हैं यहीं पर, देखो a इंटू बी एक्स प्लस फाइव, ये तो y के बराबर था, और इंटू में भी, तो b इंटू वाई लिखो, या फिर y इंटू बी, एक चीज़ है। इसी तरीके से इसको भी हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, क्या देखो अब आप a, चलो a इंटू ई की पावर बी एक्स प्लस फाइव, वो तो y था, सही है, ये चीज़ आज को इंटू में बी स्क्वायर लिख दो आप, तो इस तरीके से, सही है।
तो बस मतलब आप ये कुछ बातें लिख देना यहाँ पर, मतलब इसको वन मान लेना, तो ये रिजल्ट लिखा हमने फ्रॉम वन या फिर को यूजिंग वन, ठीक है ना। और सेम स्टेप यहाँ पर यूजिंग वन की फर्स्ट की हेल्प से, सही है। तो इस तरीके से अब आंसर तो ये बनेगा ना, लेकिन चलो ए तो एलिमिनेट हुआ, बी अब भी नहीं हुआ, बी को भी करो, जितने हो सभी को करना है एलिमिनेट, सही है। तो देख लो, तो मतलब बी अब बी, तो यहाँ एक काम करो आप, इन दो को यूज कर लो आप, मतलब जैसे लेफ्ट हैंड साइड हमारी यहाँ पर ये है, इसको आप सेकंड मान लो, इसको आप थर्ड मान लो, तो इन दोनों को सोल्व, या फिर फ्रॉम टू या फिर यूजिंग टू, वो आपके ऊपर है, सही है ना। मतलब बी की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, बात खत्म। तो मतलब जैसे लेफ्ट हैंड साइड हमारी यही रहेगी, तो इस तरीके से, और वहाँ से बी की वैल्यू निकाल देंगे, और बी की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर पुट कर देंगे। तो चलो ये इक्वल्स टू है, उस साइड प्लस का है, इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, और बी की वैल्यू वहाँ से कितनी आएगी, कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं, कन्फ्यूज मत होना आप। यहाँ पर बी की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड बाई वाई आ जाएगा, जैसे वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, बी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगी इस तरीके से, सही है। और हमें बी का स्क्वेयर पुट करना था, तो b का स्क्वेयर मतलब इस चीज़ का कंप्लीट स्क्वेयर, तो कंप्लीट स्क्वेयर का मतलब वन की पावर तो कितनी भी हो वन ही रहेगी, नीचे y का स्क्वेयर, और यहाँ पर स्पेशल बात है ये, इसका स्क्वेयर का मतलब इस तरीके से, इस चीज़ में और इस चीज़ में अंतर है, ये पता होना चाहिए। ये तो कह सकते हो dy वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, और ये है डबल डिफ्रेंशिएशन, दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये राइट हैंड साइड यूज हो चुके तो जीरो बच जाएगी, सही है। अब देखो, पहली तो दो बार डिफरेंशिएशन करना था, वो चीज़ यूज कर ली। दूसरी चीज़ कि आंसर में वही अर्बिट्रेरी कांस्टेंट नज़र ना आ जाए, ए और बी एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन एक तीसरा स्पेशल पॉइंट होता है, कौन सा, कि सिंपली जो आंसर होगा ना, आंसर के अंदर, ठीक है ना, मेन बात है कि जितनी बार मैक्सिमम डेरिवेटिव किया था ना, मतलब मैक्सिमम डेरिवेटिव या फिर लिखो डिफरेंशिएशन, वो आना कंपलसरी है, ये स्पेशल पॉइंट होता है, ये पता होना चाहिए आपको, मतलब ये चीज़ आनी जरूरी है, ना कि ये आए आंसर में ना आए हमें उससे कोई मतलब नहीं, आ भी सकती ना भी आए, लेकिन चलो यहाँ पर हम दो बार डिफरेंशिएशन करना था, तो ये चीज़ आनी जरूरी है, तो यही आपका रिजल्ट हो जाए। ये तीसरा स्पेशल पॉइंट रहता है, इस चीज़ का पता होना चाहिए। कई बार पता है क्या होता है कि जैसे यहाँ पर क्या करते हो आप, जैसे ए और बी एलिमिनेट करने थे, ये बात याद रख ली, हो सकता है इन दो को एलिमिनेट करके आप वैल्यू निकाल लो, इस तीसरे की हेल्प ही ना लो, मतलब इन इन दो की, सही है, इनको आप सोल्व कर लो किसी तरीके, मतलब ए और बी हटा दो आप किसी तरीके से, मतलब चलो यहाँ पर तो फिर भी नहीं होंगे कैलकुलेट, ठीक है ना, तो इस वजह से, सही है। तो मतलब हो सकता कोई और न्यूमेरिकल है वहाँ पर, मतलब वैल्यू निकल जाए, लेकिन वो आंसर नहीं होगा, ये आंसर, मतलब जितनी बार मैक्सिमम डेरिवेटिव करना है आंसर के अंदर, वो आना कंपलसरी है, तो ये आंसर हो जाएगा। हाँ, इसको कोई इस तरीके से लिखना चाहिए, अच्छी बात है कि इट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, चलो इतनी बात सही है, और ये लिख दोगे तो बेस्ट है कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, दो बार डिफरेंशिएशन, ऑर्डर यही तो होता है, सही है, मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव। तो इस तरीके से छोटी छोटी डेफिनेशन बताई थी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की बात है, सही है, उस और उसी का न्यूमेरिकल है, ये चीज़ अगर यूज कर सकते हो तो बेस्ट है इंप्रेशन के लिए, और मेन बात है न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए इतना सोचना था। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट, तो अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसको सोल्व कर लेते हैं हम। देखो कुछ इस तरीके से, इफ का मतलब मैथ्स में गिवन, थीटा इज द एंगल बिटवीन दो वेक्टर हैं, तो आप एक काम करो, लेट करो इसको ए वेक्टर मान लो, और दूसरे को बी वेक्टर का नाम दे दो, वो हो सकता है आपको ये वर्ड अच्छे ना लगे, अपने नाम है कुछ भी रख लेना, सही है। तो इस तरीके से अब इसके बाद, ठीक है ना, फाइंड साइन थीटा, सबसे पहले तो थीटा एंगल है दो वेक्टरों के बीच में, और फिर साइन थीटा निकालना। देखो क्या कहा हमने, थीटा एंगल है, और फिर मतलब एक रिजल्ट निकालने के बाद निकलेगी ये चीज़, इस चीज़ का मतलब, जैसे आप लिख दो ना ये चीज़ की गिवन है कि थीटा इज दी एंगल बिटवीन ए एंड बी लिख दो आप, ठीक है ना, तो इस तरीके से, तो डायरेक्टली लिख दो आप फॉर्मूला, कौन सा, कि जब दो वेक्टरों के बीच में एंगल की बात आ जाए, चलो फॉर्मूला याद रहता हमें, लिख लो आप, लेकिन चलो राइट हैंड साइड तो मतलब वही, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से कि ऊपर दोनों की डॉट और नीचे दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड सिंपली, तो इस तरीके से,
सही है। हाँ ऊपर अगर कोई बी डॉट ए लिखे तब भी एक है, कम्यूटेटिव लॉ या फिर को प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट में एग्जिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट, मतलब रिजल्ट एक नंबर आएगा, बात एक है। ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं, सारी चीज़ों के प्रूफ बताए थे आपको, और ये रिजल्ट होता है कोस थीटा के बराबर। तो इस वजह से है ना काम की बात है, फिर साइन थीटा निकलेगा, पहले कोस थीटा निकलेगा, ये स्पेशल बात है, ये हमें पता होनी चाहिए, सही है। और इस चीज़ को सिंपली याद रखने का आपको एक ये तरीका बताता कि 3D के अंदर या फिर वेक्टर चैप्टर की बात हो, वेक्टर हो या फिर 3D, ठीक है ना, नॉर्मली एक ही जैसे कंसेप्ट है यहाँ पर, ठीक है ना, मोस्टली मतलब रिपीट होते हैं, तो इस वजह से ठीक है ना। वहाँ पर आप डायरेक्ट याद रख लो, जब भी एंगल की बात होगी ना, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा ही कोस थीटा आएगा, वही एंगल बिटवीन हो सकता है, जैसे दो वेक्टरों का केस हो, दो लाइन हो, इस तरीके से नहीं केस बताए थे आपको सारी, सही है। साइन थीटा केवल एक फॉर्मूले में आता है लेफ्ट हैंड साइड, किस में, जब एक लाइन और एक प्लेन का केस हो, ये स्पेशल बात बताई थी। यहाँ पर तो दोनों वेक्टर हैं, तो ये चीज़ हो जाएगी, मतलब कोस थीटा आएगा लेफ्ट हैंड साइड, सिंपली याद रखने का तरीका, सही है, ये काम की बात थी। हाँ ये किसी ने चेक करना हो तो जो 3D की प्लेलिस्ट वहाँ से चेक कर लेना, क्यों क्यों लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा था, सिंपली, सही है। तो अब इसको आप लिख लो तो डायरेक्टली, ठीक है ना। चलो हमने साइन थीटा निकालना है, फिर भी जैसे साथ के साथ इसको भी चेंज कर लो, ठीक है ना। चलो फिर भी हम आपके ऊपर, देखो इस कोस थीटा का यूज कर सकते हो, डायरेक्ट वो यूज कर लो, ठीक है ना। इस चीज़ का मतलब जैसे ये प्लस वन क्लास की प्रॉपर्टी या फिर टेंथ क्लास की कह दो, ये वाली कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा वन हो जाएगा, सही है। तो कोस थीटा इस रिजल्ट से कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर रूट हो जाएगा, केवल कैलकुलेशन इस तरीके से, सही है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में बार प्लस माइनस का साइन आएगा, ये स्पेशल बात है, बार प्लस माइनस का साइन आएगा, सिंपली एक केस ले चल पड़ो, नॉर्मली हम प्लस का लेके चलते, क्यों, क्योंकि एक बात बताई थी, देखो सिंपली ज्योमेट्री को समझ लो ना आप, ये वेक्टर मान लिया, ये कोई बी वेक्टर, उनके बीच का एंगल ये थीटा सोच लिया, एंगल तो ये भी है उनके बीच का, ये पता होना चाहिए हमें, और ये कितना होगा, दोनों के बीच का एंगल 360 माइनस थीटा, सारी चीज़ें बताई थी। अब आपके ऊपर, देखो यहाँ पर कन्फ्यूज मत हो ना कि प्लस का केस लेके चले या फिर माइनस का, कोई एक लेके चल पड़ो, आपके ऊपर है। और इस तरीके से अगर ज्योमेट्री ड्रा कर दोगे तो बेस्ट है, कि दोनों के एंगल तो दोनों ही पॉसिबल होते हैं, तो इस तरीके से आपके ऊपर है, दोनों एंगल कहना चाहो तब भी आपकी बात सही है, तो इस तरीके से, ठीक है। और राइट हैंड साइड में ए डॉट बी, दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करने का आसान तरीका क्या बताया था, कि सबसे पहले आई कैप वालों की आपस में मल्टीप्लाई, कोफिशियंट मल्टीप्लाई कर दो तो 3 into 1, फिर जे कैप वालों के आपस में तो कोफिशियंट -2 into -2, कैलकुलेशन से +4 हो जाएगा, फिर के कैप वालों की आपस में मल्टीप्लाई 3 into 1, तो इस तरीके से, सही है। और सभी को ऐड कर देना आप इस तरीके से, और फिर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका कि स्क्वेयर रूट के अंदर कोफिशियंटों का होल स्क्वेयर करते चले जाओ, सबसे पहले आई कैप का कोफिशियंट 1 का होल स्क्वेयर 1, -2 का होल स्क्वेयर +4, 3 का होल स्क्वेयर 9, सभी को ऐड कर देना इसी तरीके से, सेम बात यहाँ पर अप्लाई कर दो, तो कोफिशियंटों का होल स्क्वेयर करते चले जाओ, तो 3 का होल स्क्वेयर, -2 का होल स्क्वेयर, ठीक है ना, और 1 का होल स्क्वेयर, फिर सभी को ऐड कर देना, तो इस तरीके से, ये भी स्क्वेयर रूट 14, ये भी स्क्वेयर रूट 14, तो कितना हो जाएगा, नीचे 14 बच जाएगा, कैलकुलेशन है, और ऊपर कितना हो जाएगा 10, तो मतलब 10/14, कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो मतलब ये रिजल्ट हो जाए जैसे यहाँ पर 10/14, तो इस तरीके, हाँ इसको 2 से डिवाइड करो तो मतलब 5/7, इस तरीके से हमें साइन थीटा निकालना है यहाँ पर, तो फिर दोनों साइड स्क्वेयर कर देना, ठीक है ना, दोनों साइड स्क्वेयर कर देना, मतलब कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1 - sin²θ, तो इस तरीके से जैसे है, सही है। और यहाँ पर स्क्वेयर करोगे तो 35/49 हो जाएगा, तो इस तरीके से, फिर sin²θ निकालोगे आप, मतलब टोटल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। तो sin²θ को राइट हैंड साइड ले जाना, इसको लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा इस तरीके का कि 1 - 35/49, ये LCM लोगे तो यहाँ पर 49, तो कितना हो जाएगा ऊपर 14/49, और फिर उसका स्क्वेयर, दोनों साइड स्क्वेयर रूट लेना पड़ेगा अगले स्टेप में, या फिर यहीं पर अगर हटाना चाहो तो इस तरीके से, सही है। और वही है, इवन पावर टेक, तो एक्चुअल में प्लस माइनस का साइन आएगा,
एक्चुअल में प्लस माइनस का साइन आएगा, वो इस बात से अगर कोई डिफाइन करना चाहता है अच्छी बात है, तो इस तरीके से, ठीक है ना। तो मतलब कितना हो जाएगा साइन थीटा, तो मतलब ये कैलकुलेट मतलब ऊपर स्क्वायर रूट 14 ही रहेगा, 2 इंटू 7 फैक्टर बनेगा, उनका कोई फायदा नहीं, दोनों प्राइम नंबर इस वजह से, और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 14 7 आ जाएगा बाहर, तो इस तरीके से सही है। तो इस तरीके से हाँ, इसको अगर कोई यहीं पर जैसे 2 इंटू 7 और नीचे भी 7 इंटू 7 है स्क्वायर रूट के अंदर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से लिखना चाहिए, आपके ऊपर है, सही है। तो इस तरीके से हाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें याद मतलब कैलकुलेशनों का ध्यान रख लेना आप। तो जैसे 5 का होल स्क्वायर हुआ था तो 25 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो मतलब एलसीएम लोगे तो आप इस तरीके से, तो मतलब ऊपर 24 बचेगा, तो इस तरीके ये छोटी सी मतलब कैलकुलेशन ध्यान रख लेना आप, सही है। तो मतलब आप इसको थोड़ा सा मतलब किस तरीके लिख सकते हो, ठीक है ना। 24 के देख लो कौन कौन से फैक्टर हैं, तो जैसे मतलब 24 को आप लिख सकते हो 2 into 2 into मतलब 3, तो इस तरीके से सही है। 4 into 3 12 और एक बार और 2 आएगा जैसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से 24 और मतलब स्क्वायर रूट लेना हमें, और स्क्वायर रूट से बार जब दो चीज़ दो बार रिपीट हो जाए कोई चीज़, बार सिंगल वैल्यू बार आती है, अटके एक आ जाएगा, तो इस तरीके से। तो मतलब 2√6 और डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 49 वो स्क्वायर रूट 7 कैलकुलेशन, मतलब कितना हो जाएगा 2√6 और डिवाइडेड बाई, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसे स्क्वायर रूट नीचे स्क्वायर रूट 49 था, ठीक है ना, तो मतलब 7, तो इस तरीके से बस कह दो आप डायरेक्ट ये आंसर हमारा, ये साइन थीटा का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मतलब केवल कैलकुलेशन है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं, सही है। हाँ, अगर ये यहाँ पर देखो आपके ऊपर है इस चीज़ का मतलब, एक यहाँ पर चॉइस ये भी बनेगी कौन सी, हमें थोड़ी नहीं पता है कि यहाँ पर ए डॉट बी लगाना या फिर, आपके ऊपर आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। तो मतलब हो सकता है कोई ए क्रॉस बी वाला फॉर्मूला यूज करना चाहता हो, मतलब ए क्रॉस बी का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, कि दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड आएगा इस फॉर्मूले में आता डायरेक्ट साइन थीटा, इस तरीके से। और इनटू में दो यहाँ पर होगी क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर रिजल्ट आएगा, इन सभी का रिजल्ट एक नंबर आता है, वेक्टर अब बन जाएगा, मतलब एन कैप, सबसे पहले एन कैप हटाना पड़ेगा, एन कैप हटती है इस तरीके से, और एन वेक्टर का मतलब कैप किस पर अप्लाई होती है, यूनिट वेक्टर पर, ये सारी चीज़ें बताई थी, मतलब इसका मतलब हो जाएगा 1, एन वेक्टर मतलब एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है सिंपली, तो इस तरीके से। यहाँ पर सेम बात रहेगी, यहाँ पर यूज करने का कोई फ़ायदा नहीं एक्चुअल में इस तरीके से, मतलब दोनों साइड मॉडुलस लोगे इस तरीके से, मतलब ये सारी चीज़ें सीखनी हो ना, ये मतलब अल्टरनेट मेथड वाली आप ट्राई भी कर सकते हो, या फिर मतलब जैसे 3D का न्यूमेरिकल है वहाँ पर चेक कर लेना वेक्टर प्रोडक्ट में, कि मतलब एक क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, या फिर आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो जो सेकंड अल्टरनेट चॉइस है उससे आपको सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर देंगे, या फिर इस तरीके से डायरेक्ट कैलकुलेट कर दो, आपके ऊपर है केवल कैलकुलेशन, तो इस तरीके से सही है। बस यहाँ पर जितनी फास्ट होगी बस ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रख लेना आप, तो इस तरीके से सही है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।